जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन, फिर श्रीनाथ जी में ठहरने के चंद स्थलों की जानकारी और देखेंगे नाथद्वारा में क्या हुआ। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या है। प्रभु श्रीनाथ जी में आज सुनहरी घटा के दर्शन। जैसा कि हम जानते हैं घटाओं में प्रभु श्रीनाथ जी को साज श्रृंगार वस्त्र सभी एक ही रंग के धराए जाते हैं। दर्शन तय समय से कुछ जल्दी होते हैं। इसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज वस्त्रों में घेरदार वागा चोली सूथन मोजा जी ठाड़े वस्त्र पिछवाई सभी सुनहरी जरी के धराए जाएंगे। गादी तकिया खंडपाट सभी साज केसरी साटन के धराए जाएंगे। चीरा सुनहरी जरी का धराया जाएगा। वहीं आभरण सभी सोनेला या सोने के धराए जाएंगे। हल्के श्रृंगार रहेंगे। चार मालाएं धराई जाएंगी। श्री मस्तक पर सुनहरी दोहरा कतरा धराया जाएगा। श्री कर्ण में सोने लाके कर्णफूल धराए जाएंगे। वेणु वेत्र सोने के आएंगे। आरसी सोने की दिखाई जाएगी। पट सुनहरी गोटी सोने की चिड़िया वाली आएगी। विशेष में प्रभु श्रीनाथ जी को आज पूरे दिन केसरी माला धराई जाएगी। अन्य सब नित्य क्रमानुसार रहेगा। वहीं राग सेवा के तहत श्रीजी प्रभु के सन्मुख मंगला में मेरे आए भोर प्यारे राजभोग में गोपाल को मुखारविंद जिए में आरती में ए सिर सोने के सूथन सोहन पाग शयन में ले राधे मोहन दे पठाई फूली फूली डोले मान के पद में झमक चल राधे तथा पौड़वे के पदों में निकी ऋतु लागत है अतशीत का गान किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से अनेक वैष्णवों ने यह मांग की थी कि श्रीनाथ द्वारा में ठहरने के कौन से अच्छे स्थल हैं उनके बारे में जानकारी हम उन्हें दें। इसकी पहली कड़ी में आज हम मंदिर मंडल द्वारा संचालित कुछ स्थलों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला यह जो स्थल है यह न्यू कोटेज है। नाथद्वारा के बीच में है। श्रीनाथ जी मंदिर के नज़दीक है। यहाँ पर लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्किंग से लगाकर एसी नॉन एसी आदि। अच्छे भोजन के लिए यहाँ पर डाइनिंग हॉल भी है। यहाँ एयर कंडीशन तथा नॉन एयर कंडीशन मिलाकर 135 आवास हैं, जिनका 24 घंटे का किराया 400 रुपये से लगाकर 2000 रुपये तक है। यहाँ जितने स्थलों की हम जानकारी दे रहे हैं उनकी ऑनलाइन बुकिंग आप nathadwaratemple.org पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय संपर्क सूत्र भी यहाँ प्रदर्शित हैं। न्यू कोटेज से श्रीनाथ जी मंदिर की दूरी पैदल चलते हुए 5 मिनट की है। इसके अंदर की दृश्यावली आपके समक्ष है। देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। सड़क मार्ग से बस स्टैंड होते हुए आप सीधे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए आने वाले सभी अति विशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तियों की यह ठहरने की सबसे पसंदीदा जगह है। न्यू कोटेज के पास ही स्थित है दामोदर धाम। यह अतिथि ग्रह पूर्णतः वातानुकूलित है। इसमें कुल 132 आवास हैं, जिसमें से 32 सुइट्स हैं और 100 यहाँ पर रूम्स हैं। यहाँ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें पार्किंग डाइनिंग हॉल लिफ्ट आदि शामिल हैं। यहाँ के वातानुकूलित सुइट्स का किराया 2800 रुपये तथा कमरों का किराया 1350 रुपये है। यहाँ के लिए भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं nathadwaratemple.org।
स्थानीय संपर्क सूत्र भी प्रदर्शित हैं। यह भी श्रीनाथ जी मंदिर से केवल 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतने कम किराए में इससे अच्छी सुविधा और कहीं नहीं मिल सकती है। यहाँ के सूट्स एवं कमरों से आपको नाथद्वारा के विहंगम दृश्य भी दिखाई देंगे। यह तीसरा स्थल धीरज धाम है, जो लंबी सड़क पर स्थित है। यह भी श्रीनाथ द्वारा के मध्य में ही बना हुआ है, सभी सुविधाओं से युक्त है। यहाँ एसी तथा नॉन एसी दोनों प्रकार के रूम उपलब्ध हैं, जिनकी कुल संख्या 45 है। यहाँ के लिए भी आप ऑनलाइन बुकिंग नाथद्वारा temple.org पर कर सकते हैं। स्थानीय संपर्क सूत्र भी यहाँ प्रदर्शित है। यहाँ से भी आप श्रीनाथ जी मंदिर केवल 10 मिनट में पहुँच सकते हैं। इन तीन स्थलों के अलावा के अन्य स्थलों की जानकारी हम आपको आगामी प्रसारणों में देते रहेंगे। इन सभी स्थलों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के साथ में रिजर्वेशन सेंटर की भी सुविधा है, जिसके नंबर भी यहाँ पर प्रदर्शित हैं। यदि आप सीधे भी पहुँचते हैं तो जगह उपलब्ध होने पर आपको दी जा सकती है। आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। इस उपलक्ष्य में नगर में एक पथ संचलन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आप भी अवलोकन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।